हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं वेजिटेबल मैगी। तो ये ख़ास करके बच्चों के लिए है। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और आसान है और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा तेल डाला है और उसमें बीन्स बारीक कट करके डाला है और मैंने इसमें मटर डाला है और इसको अच्छे से सॉटे करने के बाद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। इस रेसिपी में आपको पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि सारी सब्जियाँ पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो मैंने यहाँ पर पानी डालने के बाद गाजर डाला है, बारीक कट करके मैंने यहाँ पर गाजर डाला है और इसके बाद मैं यहाँ पर कॉर्न डाल रही हूँ। ये मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं और इसको थोड़ा मिक्स करके इसको अच्छे से उबलने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा हम इसमें मैगी तोड़कर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कोई भी मसाले का यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो नमक मिर्च कुछ भी डाल सकते हैं। ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर सिर्फ मैगी मसाला उतना ही यूज़ किया है और इसको हम ढक के पका लेंगे और मैगी अच्छे से गल जाने तक हम इसको पका लेंगे। आप इसमें एक्स्ट्रा मसाला ना यूज़ करके भी ये मैगी बहुत ही डिलीशियस बनती है क्योंकि इन सारी सब्जियों का टेस्ट मैगी में आ जाता है और इसी बहाने बच्चे भी वेजिटेबल्स खा लेते हैं। तो ये आप मैगी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो इसमें हम सारी सब्जियां डालने के बाद मैगी तोड़ के डाल दी थी और इसमें हमने मैगी मसाला ऐड कर दिया था और ढक कर इसे मैगी गलने तक पका लें। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी वेजिटेबल मैगी रेडी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। तो देखिए हमारी मैगी कितनी डिलीशियस लग रही है, ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो इसे ट्राई करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। थैंक यू।